भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान हे ईश सब हो सुखी कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। मैं दोनों मुख्य अतिथि को बहुत बहुत नमन करता हूँ। रविवार को भजनपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभागार में सहकारिता सप्ताह मनाया गया, जिसमें सहकारिता के द्वारा हेल्थ केयर के विषयों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार सहकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसके लिए केरल आदि राज्यों के उदाहरण देते हुए NCUI के निर्देशक श्री नाथन ने बताया कि क्षेत्र में किस प्रकार यूनियन काम कर रही है। जो ये आयोजित किया वो हेल्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो है दिल्ली में एक पहले बार ऐसे सोसाइटी है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको पब्लिक को जो है वो लाभ उठा सकते हैं। वो हेल्थ कोऑपरेटिव ये कई राज्य में है, लेकिन दिल्ली जैसे जगह में ये पहली बार सोसाइटी है मैंने देखा, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी ये सोसाइटीज़ के थ्रू तो दिल्ली अदर इलाका में भी ये काम शुरू होना, तो ये सदस्य हैं, सदस्य बहुत एंथुसियास्टिकली काम कर रहे हैं और वो मैं फिर ऑब्जेक्टिव रूप में काम कर रहे हैं, तो कोई इसमें कोई प्रॉफिट के माध्यम से नहीं कर रहे, वो सेवा मानवभाव से काम कर रहे हैं। तो इसलिए हेल्थ कोऑपरेटिव्स जो है वो आगे बढ़ाने के लिए मैं विश्वास करता हूँ। हेल्थ के कंसर्न को लेकर के कोऑपरेटिव कैसे कर सकती है उसके लिए एक संस्था चल रही थी। आज इन लोगों ने बड़ा काम किया कि दिल्ली के तमाम कोऑपरेटिव्स को आह्वान कर दिया कि आप आइए और हेल्थ केयर जो इनका विषय है कि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य की का ख्याल कर सकते हैं लोगों का, इसके लिए उन्होंने आह्वान किया भजनपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, अरुण कोऑपरेटिव सोसाइटी और तमाम पूर्वी दिल्ली के जितने कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उन सब से कहा कि आप सब आइए और मेरे इस पुनीत काम में साथ दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। सहकारिता सप्ताह हर साल मनाया जाता है, इस साल अगर इस ढंग से इसका आयोजन हो रहा है और इस ढंग से मनाया जा रहा है कि सबको कहा जा रहा है कि आइए आप, अब बाकी तो ठीक है जो कर रहे थे कर रहे थे, आप हेल्थ कोऑपरेटिव में आइए और हम हेल्थ कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं उसके लिए आप मदद कीजिए। तो ये बड़ा काम है, इस ढंग से कारवा बनाने की जो कोशिश है इससे लगता है कि दिल्ली खास करके पूर्वी दिल्ली जिस इलाके में सक्रिय हैं यहाँ बहुत तब्दीली आएगी। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़रूरत है यहाँ, और छोटे छोटे चूँकि सहकारिता उन लोगों के बीच में काम करती है जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते, जहाँ सरकार की बड़ी व्यवस्थाएँ नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ सहकारिता पहुँचती हैं। तो अगर वहाँ से ये काम शुरू हो रहा है तो मुझे लगता है आने वाले दिन में पूर्वी दिल्ली के सेहत का अच्छा ख्याल होगा। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि सेमिनार के शुरू होने से पहले खुद NCUI के निर्देशक एवं मीडिया प्रभारी भजनपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी की नई शुरुआत डिस्पेंसरी का जायजा ले रहे हैं। आप गौर से देखिए इन तस्वीरों को। सभागार में बैठक में उपस्थित इलाके की समस्त सोसाइटियों के पदाधिकारी गणों को जिनके मन में उत्सुकता दिखाई दे रही है कि वे भी अपनी सोसाइटी में डिस्पेंसरी सुविधा की शुरुआत करें, इस सेमिनार में कुछ सोसाइटी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार भी रखे। साथ ही साथ इस सुविधा की शुरुआत के लिए गजेंद्र सारन और भजनपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के महासचिव RK शर्मा का आभार भी व्यक्त किया कि अच्छे साथी मिल जाएं तो मंजिल आसान होती है, और इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, उस प्रभु को भी धन्यवाद करता हूं कि अच्छे साथियों की मेरे पास खान है, बहुत आयात है। तो हम कितना भी बड़े से बड़ा बीड़ा उठाएंगे तो कोई संदेह नहीं कि हम उसमें कामयाबी पाएंगे। तो अभी तक जो सारे काम होते थे लोन देना पैसा बांटना यही था, तो ये हमारे साथी सारंग जी ने बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया, लेकिन वो थोड़े से विचलित जब होने लगे तो मैंने कहा भाई आप चिंता न करें साथ हैं, और जब हम साथ लगे तो और भी हजारों साथ लग जाएंगे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा शकुन मिल रहा है कि आने वाले समय में हेल्थ केयर कोऑपरेटिव की तरह की इकाइयाँ खड़ी होंगी और गरीब लोगों को एक सस्ता इलाज मिलेगा, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं होता। ये अवश्य पूरा होगा कि हम गरीब लोगों को सस्ता जो है इलाज जो है मुहैया कराएं। एक केरल का विजिट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री RP साहू जी जो साहू कोऑपरेटिव TC सोसाइटी के CEO हैं वो भी हमारे साथ थे। हम 20 लोग यहाँ से गए थे, NCUI ने उसकी फंडिंग की थी, पैसा NCUI ने दिया था और हम लोग वहाँ गए थे। तब से मेरे
अंदर एक बीज पड़ा हुआ था, एक भाव पड़ा हुआ था कि किस तरह से हम इसे चालू कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद मैंने इसकी कार्य योजना बनानी शुरू कर दी। तो शुरू में क्योंकि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के पास भी एक्ट मॉडल बाइलाज नहीं था, वो मॉडल बाइलाज जो है वो तैयार कराने में श्री पीएम शर्मा जी जो इस समय मौजूद नहीं है किन्हीं कारणों से, आ जाने था उनको, तो उन्होंने बड़ी मदद की और तब इसका श्री गणेश हुआ और आज आपके सामने है। श्री आर के शर्मा जी ने इसको बड़ा शेल्टर का रूप दिया है और मुझे उम्मीद है कि आर के शर्मा जी और देवेंद्र जी, शीतला प्रसाद जी, शीतला कोऑपरेटिव से बिलोंग करते हैं, और श्री ललित जी जो कि ज्ञानदे कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इन सबका भी हमें साथ जो है डिक्लेयर्ड साथ मिल गया है। और इस तरह से और भी दूसरे भाई जुड़ते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा और हॉस्पिटल जरूर खुलेगा और बहुत जल्दी खुलेगा। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, हम लोग केरला गए, केरला में हमने बहुत से इंस्टीट्यूशंस देखे थे लेकिन जो हेल्थ का उनका कार्यक्रम था उस पर हमारा फोकस किया, हमें बहुत अच्छा लगा और ये विचार हम लोगों ने आकर के यहाँ शुरू किया। सारन साहब ने उसकी जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने इसको हेल्थ दिल्ली हेल्थ केयर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में परिणित किया। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन ने जो भी उसमें टेक्निकल सपोर्ट था वो सारा किया। आज आपके सामने भजनपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के श्री आर के शर्मा जी और हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के दिल्ली की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन सभी लोगों का बड़ा सकारात्मक सहयोग है इसमें, और ये सहयोग इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही आप इसके बड़े सकारात्मक परिणाम देखेंगे। दिल्ली हेल्थ केयर मेडिकल सोसाइटी जो बनाई गई है, गजेंद्र पाल सिंह सारन जी ने बहुत मेहनत की है और आर के शर्मा भी जुड़े हैं, शीतला कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्ञानदया कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य सोसाइटी भी जुड़ी हुई हैं, हमारा पूरा सहयोग है हर तरह से, आर्थिक सहयोग और शारीरिक सहयोग सब तरह का है और ये बड़ी उन्नति करेगी हमें आशा है। पूरी शुभकामनाएँ गरीब लोगों को, साधारण लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा, होम्योपैथिक का चाहें, एलोपैथिक का चाहें, आगे पैथोलॉजी भी शुरू करेंगे, टेस्टिंग भी शुरू होंगे और जितनी भी सुविधाएं नर्सिंग होम में या अस्पतालों में मिलती हैं वो सब मिलती रहेंगी, ये हमें उम्मीद है, आगे काम बहुत बढ़ेगा। और नारंग साहब ने दिल्ली हेल्थ केयर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का संचालन प्रारंभ किया था, अब वो धीरे धीरे अपने अगले चरण में पहुँचते हुए अंतिम चरण की तरफ अग्रसर है, तो ये बहुत ही सुखद विषय है कि इसी सोसाइटी में हमारी जो जमुनापार की सारी सोसाइटियां हैं वो इसमें कॉपरेट कर रही हैं, पैसे से भी कर रही हैं, अपना समय भी दे रही हैं उसमें करके, तो ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले की कृपा रही तो बहुत जल्द एक बड़ा अस्पताल हमारे क्षेत्र को यूनियन सहकार की तरफ से देखने को मिलेगा। और मैं अपनी सोसाइटी की तरफ से और अपनी सारी जो हमारी कोऑपरेटिव यूनियन है उसको, जो उनके निदेशक आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये सोसाइटी हेल्थ के जरिए में बहुत ही अग्रणीय और अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस मौके पर सोसाइटी के पदाधिकारियों को भजनपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी की गत 12 अक्टूबर से शुरुआत की जा चुकी डिस्पेंसरी का उदाहरण देते हुए अन्य सोसाइटियों को भी क्षेत्र में पहल करने के लिए कहा। इस पहल से स्पष्ट हो रहा है कि सहकारिता क्षेत्र के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। रोशनी राजपूत के साथ कमल पवार, सहयोगी सन्नी गुप्ता की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली। समाज सेवा में लगे हुए।